गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट 8th क्लास चैप्टर चैप्टर 8 द वुल्स ऑफ सैनोग्रेस. द स्टोरी इज रिटन बाय साकी एंड व्हेन साकी वाज बोर्न, ही वाज बोर्न इन 18 December 1870 एंड व्हेन ही वाज डाइड इन 14 November 1916. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट हार्ड वर्ड इज प्रॉस्पेरियस. प्रॉस्पेरियस इट मीन्स वेल टू डू एंड सक्सेस. Okay, and second hard word is shrug. Shrug it means lift up, raise. जब किसी चीज के बारे में आपको कोई पूछता है और आपको कुछ बताना होता है, पता नहीं होता, तो आप अपने जो ये शोल्डर होता है उसको ऊपर करके यूं करते हो ना, तो अपने कंधों को उचकाना, लाइक दैट. तो श्रग हम उसको कहते हैं, अपने कंधों को ऊपर करना. ठीक है, थर्ड इज कैसल, इट मीन्स पैलेस, महल. नेक्स्ट फोर्थ इज एस्टॉनिशमेंट, इट मीन्स सरप्राइज एंड वंडर, किसी चीज के लिए आश्चर्यचकित होना. नेक्स्ट फिफ्थ इज नर्वसली, इट मीन्स एंशियस मैनर, चिंता करने वाला, जो जैसे कहते हैं ना, नर्वस होना, चिंता करना, टेंशन में होना. सिक्स इज प्रेजेंट, इट मीन्स फार्मर. सेवेंथ इज इम्पल्स, इट मीन डिजायर, पैशन. ठीक है, सो दीज ऑल आर हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 8. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल द फ्यू कैरेक्टर्स अबाउट दिस स्टोरी. अब फर्स्ट जो कैरेक्टर है इसमें वो है कॉनरेड. कॉनरेड कौन होता है? वो एक मर्चेंट है एंड ही इज अ ब्रदर ऑफ बैरोनेस. ठीक है, एंड सेकेंड इज बैरोनेस ग्रूबेल. बैरोनेस ग्रूबेल कौन है? वो कॉनरेड की सिस्टर है और एक हाई क्लास लेडी भी है. और जो कॉनरेड है वो बहुत ही इमेजिनेशन कर लेता है किसी भी चीज़ को, और एक वो मर्चेंट है बहुत ही इमेजिनेशन करने वाला. और जो बैरोनेस है वो क्या है? वो कॉनरेड की सिस्टर है और वो वेल टू डू और वेल हाई क्लास लेडी है. बैरन है, जो बैरोनेस जो है ग्रूबेल, उसके हस्बैंड है. अब बैरन पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो किसी पर्सन को एक पोस्ट दे देते थे, उस पोस्ट को बैरन बोला जाता है. ठीक है, और फोर्थ है एमिली, जो कि जो एक काउंसल होता है वहाँ पर, एक गवर्नर होती है और वो बैरोनेस ग्रूबेल के यहाँ पर एज अ मेड गवर्नर काम करती है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बताओगे गवर्नर कौन होता है. पहले के टाइम में क्या होते थे कि जो लोग राजा महाराजा लोग होते थे, कुछ लोग होते थे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और स्टडी के लिए गवर्नर रखते थे. वो गवर्नर क्या करती थी, पढ़ाती भी थी बच्चों को और साथ में घर का भी कुछ काम करती थी. ठीक है, सो ये जो हैं सारे करेक्टर हैं इस स्टोरी के, द वुल्स ऑफ सैनोग्रेस. Now we will start the story and now you all will open chapter 8, page number 77, the wolves of Xenogris. Okay, so now I will tell introduction about the Saki. Saki was the pen name of British author actor Hugh Munro, whose short story remain very popular to this day for their wit and sharp comment on society. Okay, जो Saki है वो, उनका main नाम क्या है, वो एक British author हैं और actor Hugh Munro हैं, और उनका ये एक तरीके से pen name, it means nickname है Saki, और जिन्होंने बहुत सारी short stories लिखी हैं और उन्होंने इस society पर एक शार्प कमेंट किया है. ठीक है, द लम्बर रूम एंड द ओपन विंडो आर सम ऑफ हिज अदर फेमस स्टोरी. और उनकी अदर जो फेमस स्टोरी हैं वो कौन सी हैं? वो हैं लम्बर रूम एंड द ओपन विंडो. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी फ्रॉम पैरा फर्स्ट. ओके, फर्स्ट पैरा. अब इस स्टोरी में एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और यहाँ इस स्टोरी में एक कासल होता है और इस कासल में एक्चुअली एक सैनोग्रेस फैमिली रहती थी, बट वो वहाँ पर वो पुअर हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर उन सबकी डेथ हो जाती है. बट उस फैमिली का एक ही मेम्बर अलाइव है, जो एमिली है, और उस कासल को अब कुछ दूसरे लोग परचेस कर लेते हैं. और जब वो उस कासल को परचेस करते हैं तो उनको पता लगता है कि इस कासल से कुछ कोई जुड़ी हुई कोई स्टोरी है, और उनको
उस स्टोरी के बारे में पता लगता है, और जो लास्ट मेंबर वहाँ पर रहती है वो किस तरीके से उसके बारे में बताती है। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप नाउ यू ऑल विल इंजॉय। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कासल? कासल आज कॉन्ड्रेड ऑफ हिज सिस्टर। एक्चुअली यहाँ पर जो कॉन्ड्रेड है वो मैंने आपको बताया एक मर्चेंट है और बैरोनेस के ब्रदर भी हैं। वो अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि क्या कोई स्टोरी है इस ओल्ड, मतलब लेजेंड यहाँ पर स्टोरी को बताया, इस कासल से जुड़ी हुई क्या कोई स्टोरी है इस तरीके से, जो कॉन्ड्रेड है अपनी सिस्टर से पूछते हैं। कॉन्ड्रेड वॉज अ प्रॉस्पीरियस मर्चेंट। कॉन्ड्रेड यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही प्रॉस्पीरियस जो है वेल टू डू एक मर्चेंट है। बट ही वॉज द वन पॉलिटिकली डिसपोजिशनड मेंबर ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली। बट वो यहाँ पर जिस तरीके के, अब यहाँ पर आप देखोगे पॉलिटिकली डिसपोजिशनड, इट मीन्स डिसपोजिशन मीन्स नेचर ऑफ द करेक्टर। कॉन्ड्रेड हैड द इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव नेचर ऑफ अ पोइट। वो बहुत ही इमेजिनेटिव सेंसिटिव पोइट है यहाँ पर स्टोरी में, और एक्चुअली वो एक परफेक्ट मर्चेंट नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन करते हैं इस तरीके के वो पर्सन है। कौन? कॉन्ड्रेड। अब यहाँ पर जब कॉन्ड्रेड अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि क्या इस कैसल से जुड़ी हुई कोई, क्या कोई ओल्ड स्टोरी है, तब बैरोनेस उनको क्या आंसर देती है। एक्चुअली बैरोनेस ग्रूबल जो होती है उनकी सिस्टर होती है, एंड शी श्रग्ड हर शोल्डर। वो अपने जो शोल्डर होती है उनको श्रग्ड यानी ऊपर लिफ्ट करती है कंध, जैसे अपन को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, जैसे आपके मम्मी डैडी आपको कुछ पूछते तो आप बोलते ना, बिना बोले भी आप उस चीज़ को बता देते हो, तो ऐसे ही जो बैरोनेस है उसको कुछ पता नहीं होता तो बोलती है पता नहीं, अपने कंधे को ऊपर करती है। देयर आर ऑलवेज लेजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि इस तरह की जो स्टोरीज होती है वो हमेशा ही इन ओल्ड प्लेसेस के साथ में जुड़ी हुई रहती है। इन दिस केस देयर इज़ अ स्टोरी दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल, ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीट्स इन द फॉरेस्ट हाउल द नाइट लॉन्ग, इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू वुड इट। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गोस्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोस्ट पर बिलीव करते हैं। अब यहाँ पर जो बैरोनेस है वो एक साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोचती है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस कासल की एक्चुअली क्या स्टोरी है। अब वो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कैसल है, यहाँ पर क्या होता है कि विलेज में कुछ डॉग और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो रात को यहाँ पर हाउल करते हैं, हॉलिंग चीखने चिल्लाने की आवाज़ करते हैं, इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू वुड इट, और वो जो आवाज़ होती है बिल्कुल भी सुनने में अच्छी नहीं लगती, इस तरीके की हमें यहाँ पर सुनने को मिला है। इट वुड बी वियर एंड रोमांटिक सेड द मर्चेंट। अब मर्चेंट ने जो कॉन्ड्रेड था, वो यहाँ पर एक मर्चेंट था जो बैरोनेस का ब्रदर था, उसने क्या बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही रोमांटिक स्टोरी होगी। इस तरीके से आपस में वो ब्रदर सिस्टर बात कर रहे हैं। एनी हाउ इट इज़ नॉट ट्रू सेड द बैरोनेस। बैरोनेस ने क्या बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ सही है। सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव had proof that nothing of the sort happens। अब जो बैरोनेस है वो ये कह रही कि जब से हमने इस हवेली को मतलब ख़रीदा है या इस कैसल महल को ख़रीदा है, तब से तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। When the old mother in law died last spring time we all listened। जैसा कि उसने बताया कि last spring time में ही उसकी mother in law की death हुई है, और उन्होंने तो ऐसी कोई भी आवाज़ इस कैसल में नहीं सुनी, ठीक है। बट देयर वॉज नो हॉलिंग, यहाँ पर तो कोई भी आवाज़ नहीं हुई। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट लेंड्स डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कोस्टिंग एनी थिंग। अब वो क्या बोल रही हैं
कि यहाँ पर जो है कोई ऐसी स्टोरी हमने तो नहीं सुनी, ये तो सिर्फ़ एक स्टोरी है शायद, मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी कोई ऐसा पैलेस वगैरह खरीदते हैं तो इस तरीके की स्टोरियाँ होती रहती है। तो इस तरीके से वो जो है कॉनरेड को बताती है कौन बैरोनेस, क्योंकि स्प्रिंग टाइम में उसकी मदर लॉ की डेथ हुई तो उसको तो किसी तरह की हॉलिंग की आवाज़ यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, ना डॉग की ना वुल्फ्स की। Now sixth para, the story is not as you have told it, said Emily. अब वहाँ पर जो Emily जो गवर्नर थी उसने क्या बोला कि जो तुमने यहाँ पर स्टोरी बताई है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। The grey old governors, उस जो ओल्ड गवर्नर्स, वो क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी है Emily और वहाँ पर इनके बैरोनेस के यहाँ पर गवर्नर के रूममेट के रूप में रहती है। एवरीवन टर्न एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनिशमेंट। अब जब जैसे ही Emily ने बोला कि जो तुम स्टोरी बता रही हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो सभी लोग वहाँ पर एकदम से वंडर, एस्टोनिशमेंट, इट मीन सरप्राइज हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। She was used to sitting silent and prim and faded in her place at table, never speaking unless someone spoke to her. एक्चुअली वो हमेशा ही अपनी सीट पर चुपचाप से बैठे रहती थी अपनी टेबल पर, और वो किसी से बहुत ही ज़्यादा फेडेड, इट मीन्स बहुत ही उदासी थी और कभी किसी से इस तरीके की बात नहीं करती थी, अनलेस ना तो वो किसी से फालतू की बात करती थी, लेकिन उस दिन वो जब बोलती तो सब सरप्राइज होते हैं। एंड देयर वर फ्यू हु डिड। अब उसने उस दिन कुछ ऐसा बोला, लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पार्टिकुलर। एक्चुअली सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए और सब मतलब आश्चर्यचकित होने लग गए, कोई भी मतलब ऐसा, मतलब वो जब बोल रही थी तो किसी को देख नहीं रही थी, वो बिल्कुल सीधे देख रही थी और वो बोले जा रही थी, ठीक है। इट इज़ नॉट वेन एनी वन डाइज इन द कासल दैट द हॉलिंग इज हर्ड। अब वो क्या बोलती है Emily कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब इस कैसल में किसी की डेथ होती है तो इस तरह की चीखने चिल्लाने की हॉलिंग की साउंड आती है, आवाज़ें आती हैं। तब वो क्या बोलती है Emily, इट वॉज वैन ऑफ द सैनोग्रेस फैमिली डाई हेयर दैट द वुल्व्स केम फ्रॉम फार एंड नियर एंड होल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द डेथ आर। अब वो क्या बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कैसल में किसी की डेथ हो तो चिल्लाने की आवाज़ आती है, सिर्फ तब आती है जब इस सैनोग्रेस फैमिली के कोई मेंबर की डेथ होती है तो दूर दूर जंगलों से डॉग और जो वुल्स हैं उनके हॉलिंग की आवाज़ आती है। और वो आवाज़ कब आती है, जब इस सैनोग्रेस फैमिली का कोई पर्सन मरने वाला हो और उसके एक घंटे पहले इस तरीके की आवाज़ें वहाँ से जंगल से आती है। एंड द डॉग ऑफ द कैसल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड would bay and howl in fear and anger at the wolf chorus, and as the soul of the dying one left its body a tree would crush down in the park। और वो क्या बताती है कि जो डॉग है उस कासल में कासल के चारों तरफ आ जाते हैं और विलेज से कलेक्ट, मतलब डॉग होते हैं वो विलेज से फार्म जो जंगल होते हैं वहाँ से आ जाते हैं। बे इट मीन्स मेक अ लॉन्ग एंड डीप क्राई, और जो डॉग है बहुत ही डीप तरीके से वो मतलब बार करते हैं। एंड हाउल इन फियर एंड एंगर एट द वुल्व्स, जो वुल्व्स होती है बहुत ही तीखी आवाज़ में वो हॉलिंग करती है, ठीक है। और वुल्फ कॉरस इट मीन्स बहुत ही एक तरह से ग्रुप में होकर के सारी वुल्व्स जो है वो हॉलिंग करती है। एंड एज द सोल ऑफ डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी अ ट्री वुड क्रश डाउन इन द पार्क। और जब सोल डिपार्ट होने लगती है किसी की, किसकी, सैनोग्रेस फैमिली के किसी मेंबर की जब डेथ होने लगती है तो वहाँ जो पार्क होता है उस पार्क में जो एक ट्री होता है वो नीचे गिर जाता है। तो वो इस तरीके की स्टोरी जो है उन सबको बता रही है, कौन, Emily बता रही है। बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हेयर ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हाउल एंड नो ट्री वुड फॉल और नो। अब लेकिन वो Emily क्या बता रही है, लेकिन यदि कोई अजनबी, स्ट्रेंजर इट मीन्स अगर कोई लगता है किसका, Emily का।
सकते हैं।